क्वेश्चन पैसे तक मिल दीजिए उनको, मिल रही है विद इन 5 मिनट्स से ऑलरेडी। ओके चलिए बेटा, सो फर्स्ट टेल मी, डू यू नो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? यस, सिक्स। ओके, कार्बन हैज एटॉमिक नंबर सिक्स। ठीक है जी, तो कार्बन कैसे बॉन्ड्स बनाता है? इट फॉर्म्स आयनिक बॉन्ड और इट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट इट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स? यस, ना गेन कर सकते हैं ना ही ये लूज कर सकते हैं, तो ये फिर क्या करेगा? शेयर करेगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको वर्कशीट मिल रही है बेटा, बस अभी थोड़ी देर में मिल जाएगी, तब तक हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करूं तो इट विल बी 2.4। डू यू नो दैट कार्बन फॉर्म्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स? हर जगह कार्बन होगा, हर चीज में, आपके पेन में, डेस्क में, क्लोथ में, बैग में, ईच एंड एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, कंटेन कार्बन। तो कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स कैसे बना रहे? यस एनीवन विद द रीजन व्हाई कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स? यस, शुड आई टेक द नेम? कैटिनेशन ओके, वन वन ऑफ द रीजन इज कैटिनेशन। कैटिनेशन, वेरी गुड। एंड सेकंड इज टेट्रावेलेंसी। इज देयर एनी अदर रीजन आल्सो? एनी वन? ये सेवन सी यहाँ क्यों आ रही है? पॉलीमराइज़ेशन, हाँ जी, कैन यू रिपीट प्लीज? ओके, पॉलीमराइजेशन। व्हाट इज दिस पॉलीमराइजेशन, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? मोनोमर्स कंबाइन टू फॉर्म पॉलीमर्स। ओके, कैन यू एनीवन स्टैंड? कोई सिंगल स्टूडेंट? यस, फ्रॉम 10th बी। When monomers combine to form polymers, it is called polymerization. ओके, मोनोमर्स क्या होते हैं? सिंगल यस, कंपाउंड। ओके। जब नंबर ऑफ कंपाउंड्स कंबाइन हो जाते हैं तो वो बन जाते हैं पॉलीमर्स। ठीक है, छोटे छोटे। पॉली का मींस इटसेल्फ, पॉली इटसेल्फ मींस मैनी। ठीक है, जब मैनी छोटे छोटे कंपाउंड्स इकट्ठे हो जाएंगे तो इट विल बिकम पॉलीमर्स। बट अगर आपको ऑप्शंस आती हैं अकॉर्डिंग टू आवर एग्जामिनेशन सिस्टम, तो अगर आपको दो ऑप्शंस चूज करनी है तो यू विल गो विद कैटिनेशन एंड टेट्रावेलेंसी एज पर आर 10th क्लास सिलेबस। ठीक है, बात समझ आई? अगर वो ऑप्शन आपको मिलती है तो आप कर सकते हो, बट अदरवाइज इफ यू नीड टू ऑप्शंस देन गो विद कैटिनेशन एंड टेट्रावेलेंसी। एम आई क्लियर? कैटिनेशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कैटिनेशन? बेसिकली यू कैन से सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। यू कैन से? प्रॉपर्टी यस बेटा, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट कैन फॉर्म क्या क्या बना सकता है? ये स्ट्रेट चेन्स, ब्रांच स्ट्रक्चर बन सकते हैं, एंड थर्ड वो क्या बना सकते हैं? रिंग स्ट्रक्चर। तो नो अदर कंपाउंड इन द होल पीरियोडिक टेबल हैज दिस प्रॉपर्टी कि वो स्ट्रेट चेन्स भी बना सके, वो ब्रांचेस भी बना सके और वो रिंग्स भी बना सके। ओनली कार्बन हैज दिस प्रॉपर्टी, राइट? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टेट्रावेलेंसी?
वैलेंसी मीन्स कार्बन वैलेंसी, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है एंड 4 का मतलब होता है टेट्रा, ठीक है। तो ये एक ऐसा कंपाउंड है या एक ऐसा एलिमेंट है जो एक बार में मैक्सिमम किसके साथ कंबाइन हो सकते हैं, एक बार में 4 एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो सकते हैं। वो 4 एलिमेंट्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, 4 एलिमेंट्स सेम भी हो सकते हैं। इज दिस क्लियर? दोज 4 एलिमेंट्स कैन बी सेम और डिफरेंट। एक इसमें बेटा एक रीजन थोड़ा सा और आता है, दैट इज द मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स का क्या मतलब काफी है? हाँ, मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड भी बन सकते हैं, कार्बन कार्बन कैन टेक डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन कैन टेक ट्रिपल बॉन्ड ऑल्सो। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सो मेनी नंबर ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन। ओनली कार्बन हैज दिस टेंडेंसी टू मेक ऑल 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, सिंगल डबल ट्रिपल, ठीक है, तीनों तरह के बॉन्ड्स बना सकते हैं, ठीक है, समझ आया बेटा ये? चलिए, वर्कशीट अगर नहीं आई है तो एक क्वेश्चन में आपको, आपका फर्स्ट क्वेश्चन वर्कशीट का एक्चुअली कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी से ही रिलेटेड था, मैंने आपका डिस्कस कर दिया, ठीक है। सो सेकेंड क्वेश्चन आपके पास है, एक बार सुन लो या लिखना लिख लो, मैं डिक्टेट कर रही हूं, आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए इतनी देर। गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड, गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन अ कंपाउंड। टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ अ कार्बन इन अ कंपाउंड। ठीक है, अब मैंने आपको अभी एक लिखी है बेटा सबने। अभी मैंने आपको एक चीज बोली कि कार्बन हर जगह प्रेजेंट है, मोस्ट ऑफ द आइटम्स, मोस्ट ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स कंटेन कार्बन। तो आपको कैसे पता चलेगा कि दैट पर्टिकुलर थिंग हैज कार्बन? आपके हाथ में पेन है, पेन के अंदर कार्बन है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? आप कॉपी पे लिख रहे हो, इस पेपर के अंदर कार्बन है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा मुझे? यस, एनीवन हु नोज द आंसर, जस्ट रेज योर हैंड। वेरी सिंपल आंसर, बहुत बार किया होगा आपने ये क्वेश्चन, थोड़ी सी फॉर्म चेंज हो गई। सी व्हाट वी विल डू, वी विल, हम क्या करेंगे, वी विल टेक दैट थिंग विच कंटेन, वी आर डाउटफुल कि उसमें कार्बन है या नहीं, हम उस ऑब्जेक्ट को लेंगे एंड उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे। बर्निंग की प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चे? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस। नाउ कैन यू चेक द प्रेजेंस ऑफ CO2 गैस? हाउ यू विल चेक द प्रेजेंस ऑफ CO2 गैस? लाइम वॉटर टेस्ट, ठीक है। नाउ बट वी विल डू, वी विल, लिखिए जरा ये आंसर लिखिए, बर्न कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बर्न कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नाउ वी विल पास दिस गैस थ्रू लाइम वाटर, थ्रू लाइम वाटर, एंड इफ द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, एंड इफ द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, इट मीन्स द गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड, द गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड द सब्सटेंस कंटेन कार्बन।
एंड द सब्सटेंस कंटेन कार्बन. राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास. राइट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट विल बी क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम योर वर्कशीट. क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग, नेम द फॉलो, ये रिएक्शन लिख लिया उस क्वेश्चन में बेटा, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में, नेम द फॉलोइंग एंड द फर्स्ट पार्ट इज थर्ड मेंबर ऑफ एल्डिहाइड सीरीज. एल्डिहाइड सीरीज सेकेंड पार्ट है, सेकेंड मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज. ठीक है जी, थर्ड मेंबर ऑफ एल्डिहाइड सीरीज एंड सेकेंड मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज. ओके, एल्डिहाइड सीरीज, एल्डिहाइड सीरीज का सिंबल क्या होता है बेटा? एल्डिहाइड सीरीज हैज अ सिंबल CHO लाइक दिस, एंड इसका स्ट्रक्चर होता कैसे है? हाइड्रोजन इज सिंगल बॉन्डेड एंड ऑक्सीजन इज डबल बॉन्डेड लाइक दिस. ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कार्बन के साथ अटैच्ड होते हैं. नाउ द फंक्शन, सुनो एक बार बेटा ध्यान से सुनो, जिन फंक्शनल ग्रुप के साथ कार्बन अटैच होता है, अब देखो थर्ड मेंबर पूछा गया आपसे, इट मींस जो भी थर्ड मेंबर होगा इट विल कंटेन 3 कार्बन्स डेफिनेटली होंगे, बट इसमें से जो एक कार्बन है दैट इज यूज्ड फॉर दिस एल्डिहाइड, ऐसा फोर्थ कार्बन लगाकर हमने एल्डिहाइड ग्रुप नहीं लगाना, राइट? ये हमारा फोर्थ मेंबर बन जाएगा, फिर हमें थर्ड मेंबर चाहिए, राइट? थर्ड मेंबर मींस 3 कार्बन इट हैज, राइट? तो 3 कार्बन है तो हमें क्या चाहिए? 3 ही चाहिए बस. अगर इस फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन ना होता फिर हम अपनी तरफ से 3 कार्बन्स को ले लेते, बट अभी एक ये वाला कार्बन हमारे फंक्शनल ग्रुप में है तो हम इंक्लूडिंग दिस कार्बन 3 कार्बन लेंगे, राइट? रिमेनिंग साइड्स पर आप हाइड्रोजन प्लेस कर दो टू कंप्लीट द वैलेंसी लाइक दिस. इज इट क्लियर? तो ये हमारा क्या बना बेटा, क्या स्ट्रक्चर बना? CH3 CH2 CHO, दिस इज अ थर्ड मेंबर ऑफ एल्डिहाइड सीरीज. कैन यू नेम दिस? दिस इज 3 कार्बन मींस प्रॉप एंड, और ई हटाकर इस फंक्शनल ग्रुप का सिंबल क्या होता है बेटा एल्डिहाइड ग्रुप का लिखने के लिए? ये फर्स्ट 2 अल्फाबेट्स अल, सो दिस इज प्रोपेनल. इज दिस क्लियर? ओके, ठीक है. इसी तरीके से बेटा इसी बेसिस पर हमने लिखना सेकेंड मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज. अब कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंबल क्या होता है बेटा? COOH, राइट? अब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन, ये एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होता है, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड होता है, और ये हाइड्रोजन. ये बेटा आने चाहिए सिंबल्स आपको, मतलब ये वाला सिंबल ओपन करके कैसे लिखा जाएगा, यू मस्ट नो दैट. ठीक है, देखो यहां अगर मैं देखूं तो CHO एक लाइन में लिख दिए, अब ऐसे लग रहा है ना ऐसे होंगे, बट ऐसा नहीं है. ये कैसे अटैच है हमारे, इस तरीके से थे,
ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड था और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डेड था, तो ये प्लेसमेंट ऑफ बॉन्ड्स आपको पता होनी चाहिए। इज दिस क्लियर? तो ये आपका स्ट्रक्चर कार्बोक्सिलिक एसिड का। नाउ वी नीड सेकेंड मेंबर, इट मींस वी हैव टू कार्बन, इट मींस वी हैव टू कार्बन्स। चलिए अब यहां पर आप रिमेनिंग हाइड्रोजन्स प्लेस कर दो, तो ये स्ट्रक्चर क्या बना, क्या बना बच्चे? CH3COOH, ये आपका सेकेंड मेंबर आ गया। अच्छा ठीक है बच्चे, तो इस कंपाउंड का नेम क्या होगा? यस, देर आर टू कार्बन, फॉर टू कार्बन वी हैव एट ए, एंड ई हट जाता है बेटा जब हम किसी फंक्शनल ग्रुप को प्लेस करते हैं ना, तो वी विल रिमूव ई। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सिंबल क्या यूज होता है हमारा? ओइक एसिड, तो ई हम हटा देंगे यहां से, ई हट जाएगा और उसकी जगह आ जाएगा ओइक एसिड, तो ये बना इथेनोइक एसिड। ये बहुत बार आता है आपके पास सेकेंड चैप्टर एसिड बेसिस में, बहुत बार किया होगा। ठीक है, तो इसका और क्या नेम होता है, इसका कॉमन नेम क्या होता है? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ इथेनोइक एसिड? यस, एसिटिक एसिड। आप इसके फर्स्ट मेंबर का नेम बता सकते हो? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के फर्स्ट मेंबर का नेम क्या होगा? यस, सिंपल, फर्स्ट है तो एक कार्बन है तो मिथ, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, ये समझ आया बेटा? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, चलिए इसी का, अब आई थिंक वर्कशीट्स आ गई आप सबके पास इन द बोथ सेक्शंस, 10th A, डू यू हैव द वर्कशीट नाउ? ओके, सो लुक एट द क्वेश्चन नंबर, पार्ट सेकेंड ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट द आयुपिक नेम ऑफ द फॉलोविंग, राइट द आयुपिक नेम ऑफ द फॉलोविंग। मैम, यस बेटा बोलिए। एक्चुअली स्टूडेंट्स वांट टू एक्सप्लेन द लास्ट कंसेप्ट। लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंड मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक सीरीज मैम। ठीक, यस सो कर लेते हैं बेटा। सी बेटा, फर्स्ट इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, फर्स्ट मेंबर, सेकेंड मेंबर, थर्ड मेंबर, फोर्थ मेंबर, जिस मेंबर का पूछा जाएगा बेटा उतने ही कार्बन हमारे पास होंगे। जैसे अगर मुझसे पूछा गया लेट अस से फिफ्थ मेंबर, ठीक है, फिफ्थ मेंबर मींस आई हैव 5 कार्बन, राइट? बट मुझे पता है कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला है COOH, सो इट हैज कार्बन, तो ये वाला कार्बन इन 5 में से हम एक कार्बन को यूज कर लेंगे फॉर द फंक्शनल ग्रुप, सो दैट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिमेन 5। ठीक है, मुझे टोटल में 5 ही चाहिए क्योंकि फिफ्थ मेंबर है, ये हो गया। बाकी कार्बन की हमने वैलेंसी कंप्लीट करनी होती है, वी जस्ट सिंपली प्लेस हाइड्रोजन्स विद ईच कार्बन, जितनी भी उन हाइड्रोजन्स को नीड है। ठीक है, ये इस तरीके से, तो ये हमारे पास क्या बना बच्चे? CH3, CH2, CH2, CH2 एंड COOH। मैम, अगर कार्बन 1 नहीं हो तो फिर बताती हूँ, अभी वही बताने लगी थी मैं, सिंगल कार्बन का करेंगे, वही फर्स्ट मेंबर है हमारा मिथेनोइक एसिड का। ठीक है, ये समझ आया? ये नोट कर लो, मैं फिर अब फर्स्ट मेंबर का, एल्डिहाइड का भी करेंगे फर्स्ट मेंबर का। ठीक है, अच्छा कीटोन ग्रुप कोई मुझे बताएगा, कीटोन ग्रुप के को यूज करने के लिए मुझे कितने मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन चाहिए होंगे? बताइए,
फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक किस किस को आता है? फंक्शनल ग्रुप कौन कौन स्टूडेंट चाह रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक एक बार रिवाइज कर लिया जाए? रेज योर हैंड्स बेटा, ऑनेस्टली रेज योर हैंड्स। अगर प्रॉब्लम है तो बीच में से वर्कशीट मिक्स करके फायदा नहीं है हमें, तो हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे पहले। यस, 10th B में से काफी स्टूडेंट है। यस, फ्रॉम 10th A फंक्शनल ग्रुप कोई करना चाहता है सेपरेटली? किस, अच्छा ठीक है, अब किस किस को अच्छे से आते हैं वो हैंड रेज करो अपने, कि जिसको लगता है कि नहीं बस एक रिवीजन होगी तो मैं हो जाएगा मेरा काम। ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं? कोई भी नहीं है, कोई बात नहीं, हम ना टॉपिक ही रिवाइज करते हैं बेटा। फिर ऐसे तो बीच बीच में से समझ भी नहीं आएंगी चीजें एक एक क्वेश्चन से। ठीक है चलो, पहले अब एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर हम चलते हैं दोबारा से। अगर अब आपसे पूछा जाए फर्स्ट मेंबर इट मींस यू ओनली हैव वन कार्बन, एक ही कार्बन होगा ना, फर्स्ट मेंबर है तो हमने एक कार्बन लगा दिया, तो सबसे पहला हमारा काम होता है बेटा उसका फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट करना। इसको ध्यान से समझना, ठीक है? एक ही कार्बन है और मुझे फंक्शनल ग्रुप भी लगाना है, ठीक है? आप इसको भी देखो ऐसे लिख सकते हो, ओ एंड एच, ठीक है? इज दिस क्लियर? ये सी ओ एच ही बना बेटा आपका, एक तो इस चीज को ध्यान में रखो। दूसरा, अब ये देखो, एक ही कार्बन चाहिए था मुझे, वो एक कार्बन मेरे फंक्शनल ग्रुप के पास था, मुझे अब और कार्बन नहीं लगाना क्योंकि मेरे को फर्स्ट मेंबर ही चाहिए। आई जस्ट सिंपली प्लेस हाइड्रोजन टू कंप्लीट द वैलेंसी ऑफ कार्बन, तो ये मेरे पास क्या बना, एच सी ओ एच, दिस इज माई फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हुज नेम इज मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, एंड इसका कॉमन नेम क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है? ये कहाँ प्रेजेंट होता है फॉर्मिक एसिड? यस, फॉर्मिक एसिड इज प्रेजेंट इन एंड स्टिंग, आपने सेकेंड चैप्टर में किया होगा, ठीक है? ये समझ आया अभी? चलो अभी मुझे इसके सेकंड मेंबर का लिख कर दिखाओ, सेकंड मेंबर तो क्वेश्चन में था, थर्ड मेंबर का लिख कर दिखाइए जरा। कार्बोक्सिलिक एसिड के थर्ड मेंबर का मुझे आप फॉर्मूला लिख कर बताइए क्या बनेगा। प्रोपेनोइक प्रोपेनोइक एसिड जी बेटा, डन? ओके यस, फ्रॉम 10th A महेश्वरी, बताइए बेटा क्या फॉर्मूला बना? प्रोपेनोइक एसिड फॉर्मूला बताइए, नेम नहीं पूछा मैंने। हाँ CH3 CH2 हाँ C डबल ओ एच वेरी गुड, सबका सेम है बच्चे, ठीक है? अभी ये समझ आ गया बेटा सबको? चलिए ऐसे मुझे एल्डिहाइड के फर्स्ट मेंबर का क्या बने, एल्डिहाइड फर्स्ट मेंबर ना, एल्डिहाइड ग्रुप का सिंबल होता है CHO, जिसको हम ओपन करके कैसे लिखते हैं, डबल बॉन्ड ओ एच। अच्छा ये डबल बॉन्ड ओ ऊपर ही आएगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, आप कहीं पर भी प्लेस कर सकते हो, ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी कहीं पर भी कैसे भी, बस ये होना चाहिए ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होता है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डेड होता है विद कार्बन,
ठीक है। अब मुझे फर्स्ट मेंबर चाहिए, फर्स्ट मेंबर का मतलब क्या है, आई हैव ओनली वन कार्बन। पहले हम क्या लगाएंगे, फंक्शनल ग्रुप को उसके साथ। एक कार्बन हो चुका मेरे पास, कार्बन की वैलेंसी होती है फोर। फोर वैलेंसी का मतलब क्या होता है, उसके पास ये जो बॉन्ड्स है ना आसपास, ये चार होने चाहिए। वन टू थ्री, ऑलरेडी थ्री कार्बन के पास, एंड फोर्थ मैंने प्लेस करके हाइड्रोजन लगा दिया। तो ये क्या बना अब आपका, HCHO। तो ये आपका आया फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड सीरीज। ठीक है, मिथेनॉल। तो इसका नेम क्या बनेगा, मिथेनल। ठीक है जी, मिथेनल। चलिए इसके मुझे सेकंड मेंबर का लिखकर दिखाइए जरा जल्दी से, सेकंड मेंबर ऑफ एल्डिहाइड सीरीज क्या बनेगा। ठीक यस, गुलशन फ्रॉम 10th B। आइए बेटा जल्दी से फॉर्मूला बताइए क्या बना, सेकंड मेंबर ऑफ एल्डिहाइड सीरीज। मैम CH3 CHO। CH3, CH, शाबाश। नेम क्या होगा, इथेनॉल। इथेनल। गुड, ठीक है बच्चे, बस यही करना है। सबसे पहले कार्बन प्लेस करनी है और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप को पहले प्लेस कर देना है, देन डू द रिमेनिंग थिंग्स। ठीक है, हम कई स्टूडेंट्स हम गलती क्या करते हैं, पहले हाइड्रोजन लगा के बाद में फंक्शनल ग्रुप को अटैच करते हैं, तो वो प्रोसेस गलत हो जाएगा। ठीक है, बाय चांस गलती से हो भी सकती है मिस्टेक, तो पहले हमने फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन सेट करनी है, उसके प्लेसमेंट करनी है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की, ओनली देन वी विल कंप्लीट द वैलेंसी ऑफ कार्बन। ठीक है, थोड़ा सा एक बार कीटोन ग्रुप का भी देख लेते हैं। कीटोन, कीटोन ग्रुप क्या होता है, सिंबल क्या होता है कीटोन ग्रुप का, तो CO। ठीक है, इट इज CO। अगर आपने ध्यान दोगे, इसके मैंने दोनों साइड लाइंस लगाई हैं, ये बॉन्ड्स हैं बेसिकली। अगर हमने CHO किया था तो मैंने इस साइड लगाया था, इधर मैंने कुछ प्लेस नहीं किया। COOH में भी मैंने सिर्फ एक ही साइड बॉन्ड लगाया, दूसरी साइड नहीं लगाया, बट CO में मैंने दोनों तरफ लगाया, ऐसा क्यों बताइए। यस ये जो बॉन्ड है ना बेटा, ये लगते हैं हमारे कॉर्नर्स पर, ठीक है, और ये वाला जो बॉन्ड है ये हमारा कॉर्नर्स पर नहीं लगेगा, ये कॉर्नर्स के ऊपर नहीं आता। ठीक है, कीटोन बॉन्ड के लिए क्या क्या कंडीशन होती है, मिनिमम थ्री कार्बन्स हमें चाहिए होते हैं, मिनिमम थ्री कार्बन्स। एंड सेकेंड क्या होता है, कीटोन ग्रुप इज प्लेस्ड, कीटोन ग्रुप इज प्लेस्ड बिटवीन टू एक्सट्रीम कार्बन एटम्स। ठीक है, जैसे कि आपके पास 1 2 3 4 5, तो इन दो पोजीशंस पर कीटोन ग्रुप नहीं लगेगा। ठीक है, इन दो पोजीशंस पर नहीं लगेगा, रिमेनिंग दीज थ्री पोजीशंस वी कैन प्लेस कीटोन ग्रुप। इनमें से किसी भी पोजीशन पर हम लगा सकते हैं। ठीक है, जहां पर क्रॉस किया यहां नहीं लगेगा कीटोन ग्रुप। ये लिख लो सारा कुछ।
ठीक है। डन बच्चे। ठीक देखो, अब क्या अगर मेरे पास एक ही कार्बन है, यहाँ पे कीटोन ग्रुप प्लेस हो सकते हैं? नहीं। अगर मेरे पास टू कार्बन है तो ये तो दोनों ही कॉर्नर पर हो गए, यहां पर भी नहीं प्लेस हो सकता, तो कीटोन ग्रुप लगेगा कहां पर? तो इसलिए मिनिमम थ्री कार्बन से हम स्टार्ट करते हैं, यहां दो पोजीशन पर नहीं लगेगा। वी विल प्लेस कीटोन ग्रुप लाइक दिस। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्डेड कैसे होते हैं? ऑक्सीजन इज डबल बॉन्डेड विथ कार्बन, ठीक है? सो दैट इज वाई कीटोन ग्रुप इज यूज्ड विद मिनिमम थ्री नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो इसका जो फर्स्ट मेंबर होगा, आप समझ, ये नोट हो गया बच्चे? ओके, सबका। नाउ इफ आई आस्क, राइट फर्स्ट मेंबर ऑफ, फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन ग्रुप, कीटोन ग्रुप तो कहां से स्टार्ट होगा? फर्स्ट मेंबर में एक कार्बन हो सकता है कीटोन ग्रुप के पास, नो टू कार्बन हो सकते हैं। इसका फर्स्ट मेंबर मिनिमम कितने कार्बन से स्टार्ट हुआ? थ्री कार्बन से, ठीक है? तो इसका फर्स्ट मेंबर कंटेन थ्री कार्बन, ठीक है जी? आई बात समझ? बाकी सबके केस है, बाकी रेस्ट ऑफ ऑल द फंक्शनल ग्रुप कंटेन वन का, फर्स्ट मेंबर मीन वन कार्बन, बट कीटोन ग्रुप में फर्स्ट मेंबर मीन थ्री कार्बन, ठीक है? तो मिनिमम थ्री कार्बन, वन टू थ्री। तो पहले हम फंक्शनल ग्रुप को कंप्लीट करेंगे। सी, दिस कार्बन हैज कंप्लीट इट्स वैलेंसी, वन टू थ्री फोर। इस कार्बन के साथ यहां कोई हाइड्रोजन मुझे नहीं प्लेस करना। इज दिस क्लियर? तो अब इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन की नीड है? हाउ मेनी हाइड्रोजन दिस कार्बन नीड्स? थ्री। एक है ना इसके पास, तो इट नीड्स थ्री मोर हाइड्रोजन, एंड सिमिलरली दिस कार्बन ऑल्सो नीड थ्री मोर हाइड्रोजन। सो द फॉर्मूला टर्न टू CH3, CO CH3। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन। और इसका कॉमन नेम बताएगा मुझे कोई? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस प्रोपेनॉन? यस, एसीटोन। वेरी गुड, ठीक है? अगर आपसे पूछे ना एसीटोन का स्ट्रक्चर बनाओ, कंफ्यूज नहीं होना। एसीटोन यहां आप अन से याद रख सकते हो कि ये कीटोन ग्रुप का कोई मेंबर है, ठीक है? थोड़ा सा आइडिया लग जाता है याद रखने के लिए। इज दिस क्लियर? जैसे कि एसिड में आया फॉर्मिक एसिड, तो आपको पता लग गया फॉर्मिक एसिड, एसिड लगा हुआ है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का मेंबर है। अन लगा हुआ है, ऑन लगा हुआ है, तो ये केटोन ग्रुप का मेंबर है। चलिए, अब मुझे आप इसके सेकेंड मेंबर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाइए। सेकेंड मेंबर ऑफ कीटोन ग्रुप, सेकेंड मेंबर ऑफ कीटोन ग्रुप। चलिए, ये डन ड्रॉ कर लीजिए पहले, फिर मुझे सेकेंड मेंबर ड्रॉ करके दिखाइए। CH3, CH2, CO, CH3। ओके, ठीक है।
करने तो बाकी सबको भी। सबका हो गया बच्चे? यस टेंथ भी किसी का नहीं हुआ बेटा? रेज योर हैंड्स। टेंथ सर ए। ओके सी, अब इसका स्ट्रक्चर दो तरह से बना सकते हैं। सेकंड मेंबर मींस फोर कार्बन, ठीक है? तो हमने फोर कार्बन ड्रॉ कर दिए। अब इन दो एक्सट्रीम पोजीशन के साथ हमारा कीटोन ग्रुप प्लेस नहीं होगा। कहां पर पॉसिबिलिटी है बेटा प्लेस करने की? वी कैन प्लेस कीटोन ग्रुप हेयर ऑल्सो एंड वी कैन प्लेस कीटोन ग्रुप हेयर ऑल्सो, बोथ आर करेक्ट। किसी ने इधर लगाया तो भी ठीक है, थर्ड वाले के साथ लगाया तब भी ठीक है, नो इश्यूज, राइट? तो लेट अस से टाइम बीइंग हमने ठीक है यहां पर प्लेस किया, लेट अस से, इज दिस क्लियर? चलिए बाकी कार्बन्स की आप वैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है? तो ये क्या बना? CH3, CH2, CO। What is the name of this compound? ब्यूटेनॉन, ठीक है? इट इज ब्यूटेनॉन, राइट? समझ आया बेटा ये सबको? ये हाइड्रोजन आएंगे बेटा, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, यू कैन प्लेस हाइड्रोजन, ठीक है? चल, इज दिस क्लियर नाउ? ठीक है, चलिए यहां से देखो बेटा, इसके लिए नंबरिंग भी होती है, नंबर्स, कार्बन को नंबर। जैसे अगर आपको नॉमनक्लेचर लिखना हो, ये तो हमने इसका लिखा सिंपल नेम, बट अगर मुझे ये बताना हो कि कीटोन ग्रुप कौन सी पोजीशन पर है, ठीक है, कौन सी पोजीशन पर है, तो हम पोजीशंस हमेशा बेटा कहां से काउंट करते हैं? जहां से उस ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले। देखो अगर मैं इस कार्बन को वन मानू, इसको टू, इसको थ्री, इसको फोर, ठीक है, हम एक तो ये ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं, सेकंड हम क्या कर सकते हैं, वन टू थ्री फोर। अब मुझे ये बताओ इन दोनों नंबरिंग में कीटोन ग्रुप को लोएस्ट नंबर कौन से साइड से मिल रहा है? अगर मैं वहां से शुरू करूं, उधर से लोएस्ट मिला या इस साइड से मिला? फ्रॉम दैट साइड, है ना? तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? ये वाला केस हमने पिक करना है, ना कि थर्ड नंबर वाला करना है। तो हम इसका नेम और कैसे लिख सकते हैं? टू ब्यूटेन नॉन, टू ब्यूटेन नॉन। आई बच्ची बात समझ? इज दिस क्लियर? इसका कॉमन नेम क्या होते हैं बेटा? इनके अब कॉमन जो नेम आएंगे ना, वो मिक्स करके आएंगे। जैसे ये एसीटोन था, ऐसे कॉमन नेम नहीं आएगा इसका। जैसे एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है ना, उसके बाद उनके कॉमन नेम डिफरेंट वे से स्टार्ट हो जाते हैं, तो एक सिंगल वर्ड में नहीं होगा इसका कॉमन नेम। चलिए ये मैं रख कर दूं। देखो इनके कॉमन नेम अब कैसे किस तरीके से आएंगे, जैसे इसका कॉमन नेम लिखना है, तो ये हमारा ग्रुप है, इस साइड लगा हुआ है मिथाइल और इस साइड लगा हुआ है इथाइल, तो इसका कॉमन नेम बनेगा मिथाइल इथाइल कीटोन। ऐसे टोन के बाद ना ऐसे नेम स्टार्ट हो जाएंगे, दैट इज वाई हम फिर डिस्कस नहीं करते हैं इनको। क्लियर? तो सबका ऐसे ही बनेगा अब इसके बाद, जो भी कॉमन नेम लिखे जाएंगे इस तरीके से लिखे जाएंगे। इज दिस क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपकी वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर थर्ड का स्टार्टिंग
सेकेंड पार्ट में बी जो पार्ट है, राइट द आयोपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग, लिखा हुआ है बच्चे? चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, बी पार्ट, 1, 2, 3, 4 इस पोजीशन पर OH लगा हुआ है, बाकी सब हाइड्रोजन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इवन हेयर ऑल, ठीक है? कौन बताएगा मुझे इस कंपाउंड का नेम? यस, फ्रॉम 10th है सिमरन, चल मैंने दो नाम लिए और दोनों इकट्ठी बैठे हैं, है ना? चलिए, हाँ जी बेटा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? एम ब्यूटेनल ब्यूटे नन, इज दिस क्लियर स्पीकिंग? ब्यूटेनल एयर ब्यूटे नन ये बोल रहे हो? ओके, गो बैक टू योर सीट। अवनीत कौर फ्रॉम 10th। चलिए आइए बेटा, जल्दी से बताइए क्या नेम है इस कंपाउंड का? ब्यूटेनॉल। यस, ये भी गलत, ये भी गलत। इस कंपाउंड नेम इज ब्यूटेनॉल, और व्हाट वी कैन डू, वी कैन नेम इट आल्सो प्रोजी विथ पोजीशन। सी नाउ द हाइड्रोक्साइड, सॉरी, हाइड्रोक्साइड ग्रुप इज प्लेस्ड हियर, तो व्हाट डज इट नीड? इट नीड द लीस्ट नंबर। देखो अगेन आई हैव टू ऑप्शन, आई कैन स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दिस एंड आल्सो। ये थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, आई कैन स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दिस एंड, 1, 2, 3, 4, और आई कैन स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दिस एंड, 1, 2, 3, 4। अब मुझे बताओ कौन सा, ब्लू वाले से लोएस्ट नंबर मिला या पिंक वाली साइड से लोएस्ट नंबर मिला? ब्लू से। तो हमारे पास ये वाली पोजीशन पे टू पोजीशन, ये नहीं लेंगे अब हम, सेकेंड पोजीशन को लेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? टू ब्यूटेनॉल की जो अल्कोहल ग्रुप है वो सेकेंड पोजीशन पर लगा हुआ है। ये कौन सा ग्रुप होता है OH? अच्छा अल्कोहल ग्रुप, ठीक है, अल्कोहल। तो एट विच पोजीशन इट इज प्लेस्ड? इट इज प्लेस्ड एट सेकेंड पोजीशन। इज दिस क्लियर? ठीक है, चलिए। एक्सक्यूज मी मैम, हां जी बेटा बोलिए। मैम जो OH ग्रुप होता है वो किसी भी कार्बन चेन के एंड पर नहीं लगता नहीं बेटा, कहीं पे भी लग सकते हैं, इट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर। हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये कॉर्नर पर लगाया गया है, बट इट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर। अगर कॉर्नर पे लगा होगा तो फिर हमें इसको नंबर देने की जरूरत नहीं है। अगर सपोज करो मैंने यहां पर लगा दिया, ठीक है, इस तरीके से यू कैन प्लेस, तो सिंपली आप इसको क्या बोलोगे? दे यू हैव 3 कार्बन, तो ये आपका बन गया प्रोपेनॉल। देखो अब इस फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन नहीं है, इट डजेंट कंटेन कार्बन, तो मुझे अपने 3 कार्बन प्रॉपरली लगाने हैं। और इस OH को मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कहाँ गड़बड़ करते हैं? क्योंकि हमारे पास COOH में भी OH है और यहां पर भी OH है, तो कई बार क्या होता है, आपको स्ट्रक्चर बना हुआ आएगा। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। मेरे पास सपोज करो एक ये है और एक मैं स्ट्रक्चर और बना रही हूं, ठीक है। अब मुझे बोला गया दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। 1 मिनट, मैंने सेम तरीके से लिख दिया। अब दोनों में मुझे फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है,
अगर मैं लास्ट पोजीशन देखूं तो दोनों की सेम दिख रही है, बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर। बताओ किस किस को पता लग गया है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस केस में है? रेज योर हैंड्स। यस फास्ट, वेरी सिंपल क्वेश्चन, 10th है। सी, फर्स्ट केस के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है? अल्कोहल। और सेकंड केस में कौन सा लगा हुआ है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये कैसे पता लगा? अगर ध्यान से देखोगे तो देर इज लॉट ऑफ डिफरेंस। इस ओ एच के साथ कार्बन है जिसके साथ हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, ठीक है। और इस साइड जो इस ओ एच के साथ जो कार्बन है उस पे डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है, हाइड्रोजन नहीं है। सो यहां पर फंक्शनल ग्रुप बस इतना है, वेयर एवर इन दिस केस दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। तो ये ओ एच का केस बहुत ध्यान से करना बेटा, ये इवन एल्डिहाइड के साथ भी कंफ्यूज होता है कई बार, ठीक है। लेटर से आपके पास इस तरीके से है, एच और डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। आपने लास्ट में देखना है लास्ट कार्बन में क्या लगा हुआ है। अब ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप है। Is this clear? ये लिख लो बेटा, ये चीजें बहुत कंफ्यूज करती हैं ड्यूरिंग प्रैक्टिस। एक और रह गया बेटा इसमें, हेलो ग्रुप, हमारा हेलोजन ग्रुप रह गया, वो भी एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं उसके। डन, चलिए सबका हो गया बच्चे? नो, कर लो जी, कर लो। इसमें चाहे क्वेश्चन लिख लेना, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। राइट डाउन द क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। इट कंप्लीटेड। ये जो मैंने लाइंस बॉन्ड्स खाली छोड़े हैं ना बेटा, इसका मतलब होता है कि हाइड्रोजन आएगा साथ में, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन की प्लेस है। अगर इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन कुछ होगा तो वो लिख दिया जाएगा, अगर कुछ भी नहीं लिखा इट मींस वहां पर हाइड्रोजन है। हाँ जी बेटा, हो गया। Yes. चलिए हमारा एक ही फंक्शनल ग्रुप और करना है हमने, हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप, लेट अस से आपके पास है CH3, CH2, Br, ठीक है। हैलोजन ग्रुप में क्या क्या आता है बेटा? प्रो, ब्रोमो, आइडो, क्लोरो, ये चार होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नेम क्या बनेगा? हाँ जी, देखो कितने कार्बन्स हैं हमारे पास? टू। टू कार्बन्स के लिए हम क्या यूज करते बेटा? इथेन। इथेन, टू कार्बन है तो ये कंपाउंड बना इथेन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, तो वी विल यूज एन। और ब्रोमीन को, क्लोरीन को लिखा जाता है क्लोरो, ब्रोमीन को लिखा जाता है ब्रोमो, आयोडीन को आयोडो, एंड फ्लोरीन को लिखा जाता है। हाँ
ठीक है, तो ये क्या बना हमारा, इथेन के आगे लगा दो ब्रोमो, ब्रोमो इथेन। एक यही हेलोजन फंक्शनल ग्रुप ऐसा है जिसका नेम पहले लिखा जाता है, बाकी तो सब हम बाद में ही लिखते हैं ना, ऑल अल अन है ना, ये सब हम बाद में लिखते हैं सिर्फ। सफिक्स हाँ जी, ये सब यूज होते हैं एज अ प्रीफिक्स, सॉरी सफिक्स, ये यूज होते हैं एज अ सफिक्स और ये वाले यूज होते हैं एज अ प्रीफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स, प्री मतलब पहले, फिक्स कर दो, पहले फिक्स करना होता है। ठीक है, तो ये आ गया आपका ब्रोमोइथेन। ऐसे ही अगर आपको मैं दे दूं कार्बन 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 एंड यहाँ क्लोरीन लगा दिया मैंने, रेस्ट ऑफ लाइक मैम दिस क्लोरोप्रोपेन क्लोरोप्रोपेन। ओके, कितने कार्बन है बेटा? फोर मैम, जल्दी कार्बन। हाँ जी, क्लोरो ब्यूटेन एंड अगेन क्लोरीन। देखिए जरा, क्लोरीन इज नॉट एट नंबर वन, क्लोरीन नंबर वन पर नहीं है बच्चे, तो कहाँ से नंबर? इधर से करेंगे तो सेकंड नंबर आएगा और यहां से करेंगे तो थर्ड नंबर आएगा। तो वी विल प्रेफर टू नंबर द कार्बन एटम्स फ्रॉम दिस साइड, तो यू कैन राइट टू क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, अकेला क्लोरोब्यूटेन भी ठीक है, अगर टू क्लोरोब्यूटेन लिख दोगे तो इट विल बी मच बेटर। ठीक है, क्योंकि इससे हमें अब क्लोरीन की पोजीशन पता लग गई है साथ में। इज इट क्लियर? समझ आ गया बेटा? यस एक और मुझे इसकी एग्जांपल बताइए। 1 2 3 4 5 6 लेट अस से, और मैंने लगा दिया लेट अस से यहां पर मैंने ब्रोमीन लगा दिया। चलिए जल्दी से नेम बताओ मुझे इसका विद पोजीशन। ब्रोमोहेक्सेन इट इज थ्री, 1 2 3 4 5 6, इट इज हेक्सीन। ठीक है, अब मुझे नंबर कौन से साइड से प्रेफर करना था, जहां से नंबर लीस्ट आए। अगर मैं इस कार्बन से स्टार्ट करती हूँ, 1 2 3 4, आना फिर 4 आता यहां से किया तो हम यहां से मूव करेंगे। ठीक है, सो दैट इज व्हाई 3 ब्रोमो हेक्सीन। इज इट क्लियर? और अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को ऐसे बना दूं और ब्रोमीन यहां लगा दें, देन सिंपली हम इसको फिर बोलेंगे ब्रोमो हेक्सेन। ब्रोमो की जगह कुछ भी हो सकता है बेटा, फंक्शनल इसमें हेलोजन ग्रुप में क्लोरीन आयोडीन फ्लोरीन कुछ भी हो जाएगा। इज दिस क्लियर? यस दैट इज फॉर ऑल टुडे। किसी ने कुछ डाउट पूछना है तो पूछ सकता है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ आया, दिस इज ऑल अबाउट योर फंक्शनल ग्रुप। इसमें एक डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आता है, दैट वी विल डिस्कस इन अनसेचुरेटेड एंड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप और ये प्रीफिक्स जो हम लगाते हैं, ये दोनों इकट्ठे आ जाएं तो कैसे नेमिंग करनी है? फंक्शनल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप भी हो और ये फ्लोरो क्लोरो ये वाले प्रोफिक्स वो भी। आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें फिर हमें उनकी रिएक्टिविटी देखनी पड़ती है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप ज्यादा रिएक्टिव है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें नंबर देना पड़ता है, वो फिर 11th का काम है, 11th में आएगी वो चीजें। ठीक है ओके बच्चे, चलिए, सो थैंक यू सो मच टीचर्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय एवरीवन। मैम। Thank you. Gracias.
मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग टीचर्स. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. हेलो, हाउ आर यू? गुड गुड. हाँ जी बच्चों, सो टुडे वी हैव टू डू ट्रिग्नोमेट्री. हाँ जी बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री करनी है आज. कैन यू हियर मी? अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री मुझे जो मैसेज आया है कि वी हैव टू डू ओनली प्रूविंग क्वेश्चंस. बेटा प्रूविंग क्वेश्चन करने हैं ना ओनली. प्रूविंग वाले. यस सर. एंटिटीज वाले. चलो फटाफट से करते हैं. आइडेंटिटीज पता है बेटा आप लोगों को? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. यस. इज इक्वल टू वन. इनको इनको आपको मॉडिफाई करना आता है बेटा आइडेंटिटीज को? यस सर. नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन थीटा? देखिए इसको मॉडिफाई. ये हो गया बेटा एंड साइन थीटा विल बी इक्वल टू. इज दिस क्लियर? इज इट क्लियर? सो ये आपको आता है ना बेटा. फिर हम क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट. हाउ मेनी ऑफ यू नो हाउ टू मॉडिफाई द आइडेंटिटीज? सिमिलरली इफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा वन माइनस and what is cos theta? Under root 1 minus sin square theta. Is this okay? Yes. So shall we move to the question straight away? चलिए. आप लोगों को कोई doubt हो किसी question में तो you please tell me. और shall I do the questions? आपको कोई doubt है तो बता सकते हो बेटा, मैं वो करा देता हूँ पहले. Yes? No. चलिए सबसे पहले मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूँ बेटा. व्हाट आर द रूल्स टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस? ठीक है, सबसे पहला रूल क्या होता है बेटा, एंड दीज रूल्स 100% क्वेश्चन में नहीं एप्लीकेबल होंगे, 80-85-90% में एप्लीकेबल होंगे. व्हाट इज द फर्स्ट रूल? कन्वर्ट all trigonometric ratios. You know what is trigonometric ratios? क्या होती है बेटा? Sine, cos, tan, cosec, cot. Convert all trigonometric ratio in sine and cos form. Right? सबसे पहली चीज है कि सबको sine और cos में convert कर दो. दूसरी क्या है बेटा? apply algebraic operations or identities or rationalization. ठीक है, सेकेंड स्टेप में हम ना इनमें से कोई भी चीज करते हैं जी, और टेकिंग एलसीएम. राइट? ठीक है, इनमें से कोई एक भी या कोई एक से ज्यादा भी हो सकती है. राइट? सो ऑल दीज थिंग्स वी अप्लाई. एंड देन द थर्ड इज अप्लाई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, एनी ऑफ द थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. राइट? सो जनरली थ्री स्टेप में क्वेश्चन हो जाता है. इज दिस क्लियर? अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे बेटा. Step by step, I'll show you how to do these questions.
फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूफ वन प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा इंटू वन प्लस टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा इज इक्वल टू, ये प्रूव करना है बच्चों हमें। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप, आपने लेफ्ट हैंड साइड ली और इसमें यू हैव टू कन्वर्ट ऑल दीज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इन साइन एंड कॉस फॉर्म। सो व्हाट इट बिकम्स, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड व्हाट विल बी वन बाय, और सेकेंड थीटा विल बी राइट वन प्लस sin थीटा ओवर cos थीटा। इज दिस स्टेप क्लियर बच्चों? यस सो यहां पे हमारा फर्स्ट स्टेप आ गया। व्हाट वाज द सेकंड स्टेप, व्हाट वाज द सेकंड स्टेप? हाँ जी, तो विच ऑपरेशन वी शैल अप्लाई हेयर, आप तीनों में से हम कौन सी चीज लगाएं यहाँ पे? हाँ जी, एलसीएम लगा दे, तो एलसीएम ले लेते हैं बच्चों। व्हाट विल बी द एलसीएम हियर? ये आ गया बेटा, एंड व्हाट विल बी हियर? ठीक है बच्चों, यहां तक अब क्या किया जाए? अब सेकंड स्टेप तो हो गया, अब क्या किया जाए? आई हैव टोल्ड यू वन थिंग कि इन सेकंड स्टेप यू नीड टू अप्लाई वन ऑफ द दीज थिंग्स और यू हैव टू मे अप्लाई मोर देन वन, सो वी कैन अप्लाई द सेकंड ऑफ द सेकंड स्टेप थिंग्स। क्या अप्लाई कर सकते हैं बेटा? कैन आई राइट इट लाइक दिस? आपको समझ में आ रहा? देखो जरा क्या हो गया बेटा यहाँ पे, अब आइडेंटिटी कौन से वाली? देखिए प्लस बी ए माइनस बी, बेटा ए माइनस बी ए प्लस बी, तो व्हाट इट बिकम्स, नीचे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना बेटा ये भी। यस, इज दिस क्लियर? तो आगे चलते हैं बेटा। नाउ वी हैव साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस वन, नाउ व्हाट वी शुड डू, एक्सपेंड कर दें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को, व्हाट इट बिकम्स, से कुछ बोल रहे हैं आप लोग? एनीथिंग नॉट क्लियर? यहां तो कोई डाउट बेटा? एक्सक्यूज मी सर, यस सो वी आर डूइंग लास्ट क्वेश्चन। ओके, लास्ट लाइन लीजिए बच्चे। हो गया बेटा नोट? नाउ वी हैव अप्लाइड द ए प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी राइट, व्हाट वाज द थर्ड स्टेप, व्हाट वाज द थर्ड स्टेप? सर अप्लाई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कैन वी अप्लाई हेयर सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी? सर यस। इज दिस क्लियर बच्चों?
आंसर। तो क्या बच गया हमारे पास बेटा? Which is equal to hence proved. Is this clear? Please note down, बच्चे. Any doubt, बेटा? You can ask the questions. Shall we move to the next question? Yes. Right. Any doubt you people have? No. Next question is, बच्चों, secant square theta plus cosecant square theta square root is equal to tan theta plus equal to tan theta plus cot theta. हाँ जी, कैन यू अप्लाई द थ्री थ्री पॉइंट अप्रोच इन दिस क्वेश्चन टू सॉल्व? और विल यू ट्राई दिस क्वेश्चन बच्चों? करेंगे आप लोग ट्राई? यस और नो? हाँ प्लीज डू इट बेटा. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आपको कन्वर्ट करना है फर्स्ट स्टेप में साइन कॉस में, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में एनी ऑफ द थ्री थिंग्स लगानी है, और उसके बाद एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा के सॉल्व कर लेना. लीजिए बच्चों ट्राई. अरे जी, फर्स्ट स्टेप हो गया. हैव यू अप्लाइड द फर्स्ट स्टेप? के बाद सेकंड स्टेप में क्या करना है बेटा? सेकेंड स्टेप में टेक द एलसीएम. एलसीएम ले लेंगे बेटा हम. हाँ जी बच्चों, हो गया. यस बच्चों, एनीवन कंप्लीटेड? प्लीज कर रहे हैं प्लीज डू इट. हाँ जी बच्चों, हो गया कंप्लीट. देखिए, सबसे पहले आपने इसका कन्वर्ट किया इसको, दिस बिकम 1 अपॉन cos² थीटा प्लस 1 अपॉन sin² थीटा. यहां तक हो गया सबका बच्चों? Yes. इसके बाद क्या किया आप लोगों ने?
एलसीएम ले लिया तो दिस कम्स आउट टू बी cos square theta into sin square theta and this will become sin square theta plus अब इसके बाद क्या करें बच्चों what we should do after this trigonometric identity लगा दे बेटा यहाँ पे sin square theta plus cos square theta is Now we can remove the under root. So what this becomes? ये आ गया बेटा हमारे पास. Now now what we shall do? Take it tan theta plus cot theta. अब क्या करना है बच्चों? ये देखिए, इस स्टेप का रिवर्स स्टेप कर देना है. One के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं? वन के प्लेस पे ये लिख सकते हैं बच्चों यस और नो. अब इनको सेपरेट कर लो बेटा. यहां से एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, एक कॉस थीटा कैंसिल हो गया. साइन अपॉन कॉस इज एन थीटा एन थीटा एन कॉस. इज क्लियर बच्चों? सारे स्टेप लग रहे हैं बेटा इसमें? यस यस. तो बहुत ही सिंपल है बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री के जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन है इज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन. ओनली थिंग इज यू हैव टू बी मतलब फेमिलियर विद ऑल द ऑपरेशन. आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहो, आपका आगे अपने आप आता रहेगा क्वेश्चन पे. राइट, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नोट डाउन. चलिए आगे चलते हैं. हो गया है ना सबका अब तो? अरे होना नहीं. ओके बेटा, वन के प्लेस पे हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डाल दिया है इन द न्यूमरेटर. उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है बेटा. कौन सा वाला स्टेप बेटा? देखिए यहां तक क्लियर है सबको? बस इसके वन वन के प्लेस पे बेटा कैन आई राइट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? यस ना. वो उसके बाद मैंने सेपरेट कर दिया दिस अपॉन दिस, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा. देखो बेटा हमारे पास क्या है, ए प्लस बी अपॉन सी डी है. Can I write this a upon cd plus b upon cd? Right? तो वही किया है मैंने बच्चे बस. अच्छा अगर आपको यहां के बाद समझ नहीं आ रहा है सो डू वन थिंग, उसके बाद आप राइट साइड लेके उसको सॉल्व कर लो. अगर आपको ये चीज नहीं समझ आ रही ना, आप राइट साइड में साइन कॉस में कन्वर्ट करके एलसीएम लोगे सेम चीज आ जाएगी. इज दिस क्लियर? वो भी करके दिखाऊं बेटा. टैन थीटा प्लस कॉट थीटा इज राइट साइड, कन्वर्ट कर लिया बेटा. इज इट क्लियर? इसका एलसीएम ले लिया तो क्या आ गया बेटा हमारे पास? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू
ये क्या आ जाएगा? कॉस थीटा सॉरी दोनों साइड सेम आ गया बेटा, यस ठीक है ना? अब यहां पे आ गया था हमारे पास, हमने इस ऑर्डर में चले थे। आप देख रहे हो, आप ऑर्डर रिवर्स था ना, तो उल्टा हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। इज दिस क्लियर? यस चलो आगे चले क्वेश्चन पे बेटा। यस राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज बचे। अच्छा ये बताओ, ठीक हाँ जी बच्चों, देखिए क्वेश्चन इसमें, देखिए सबसे पहला स्टेप क्या लगाना करेंगे आप लोग ट्राई बेटा, यस और नो? प्लीज डू इट। बस स्टेप स्टेप फॉलो करते जाओ। सबसे पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। इसका एलसीएम ध्यान से लेना, थोड़ा मुश्किल है एलसीएम लेना, क्योंकि ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, दोनों का आपने डिनोमिनेटर में एलसीएम लेना है। सो प्लीज टेक इट केयरफुली। हो गया बच्चों फर्स्ट स्टेप। हाँ जी बच्चों हो गया। हो गया पूरा क्वेश्चन? मैंने कौन बताइए किसने, प्लीज रेज योर हैंड, कौन है स्टूडेंट जी? आ जाओ माइक पे आके बताओ जरा, स्टैंड अप प्लीज। पहले कोज ए ओवर 1 माइनस साइन को ए ओवर कोज ए आ जाएगा आराम आराम से ताकि मैं लिखता भी जाऊं बेटा। प्लस प्लस साइन ए 1 माइनस कोस ए ओवर साइन ए। सर वेरी गुड, आप क्या किया? हाँ अब एलसीएम ले लो नीचे का कोस ए जी कोस ए माइनस साइन ए ओवर कोस प्लस बच्चों, यहाँ पे सबका साइन
ए ओवर साइन ए माइनस कोज ए ओवर साइन. सर स्क्वायर नहीं आएगा वहां, साइन का स्क्वायर लिखा है आपने. राइट सर, अब जो लास्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म है ना, उसे मल्टीप्लाई कर कोस का स्क्वायर ए ओवर कोस माइनस साइन. कॉस ए माइनस साइन ए. सर यस. और प्लस साइन स्क्वायर ए ओवर कोस ए साइन साइन ए माइनस कोज ए. सर अब जो माइनस साइन है ना वो कॉमन आ जाएगा, तो इस तरह कौन सा वाला माइनस कॉमन आएगा? जो डिनोमिनेटर में नहीं दोनों साइन माइनस है वो कॉमन ले लेंगे हम. दोनों साइन को? नो सर, ओनली माइनस को कॉमन लेंगे. मेरे को समझ नहीं आया, बोलते जाओ मैं लिखता जाता हूँ. बताइए क्या लिखा आपने? सर कोज ए कोस स्क्वायर ए. हाँ जी. माइनस माइनस कहाँ से आ गए? सर दोनों साइड से कॉमन नहीं है माइनस साइन. लिसन लिसन लिसन, क्या करना है बेटा, इसको बेटा एज इट इज लिखना है. और नीचे से यहाँ पे डिनोमिनेटर से आपने माइनस लेना है कॉमन. सर यस वो ही कह रहे हैं. ठीक है, तो ये बन जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए. ये वाला माइनस साइन जो है, दिस साइन विल आल्सो बिकम माइनस. सो हम क्या करेंगे, इस साइन को बीच वाला साइन माइनस हो जाएगा. राइट, नाउ देयर डिनोमिनेटर इज सेम, विल टेक द एलसीएम कॉस ए माइनस साइन ए एंड इट विल बिकम कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर. अब क्या करेंगे बेटा, ऊपर हमने आइडेंटिटी लगा दी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की. न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस साइन ए. तो दिस इज कैंसल आउट बच्चों एंड यू आर लेफ्ट विथ कॉस ए प्लस साइन ए, तो इस तरह आ गया. वेरी गुड बेटा. थैंक यू सर. लीजिए बच्चों नोट कर लो आप पहले. प्लीज नोट डाउन. हाँ जी, डन बच्चों? नो सर, नो सर, कर रहे हैं, अभी लिख रहे हैं. अच्छा चलो कर लेना. समझ में आया बेटा आप लोगों को या नहीं? यस. वेरी. चले आगे वाला पेज, ये वाला कर लिया बच्चों?
सही है, आगे करवा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। एनी अदर डाउट यू पीपल हैव? कोई डाउट आप लोगों को बच्चे? आई हाँ जी बोलो। माइनस को अपन लिया है, वहां से दोबारा एक बार फिर से समझा दो। देखो बच्चे, यहां पे देखिए, ये था कॉस ए माइनस साइन ए, राइट? एंड हेयर इट इज साइन ए माइनस कॉस ए। तो इफ वी हैव टू टेक देयर एलसीएम, सो वी हैव टू मेक देम बोथ इक्वल। सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव टेकन, देखिए हमारे पास क्या है बच्चे, हमारे पास क्या था बेटा, साइन ए माइनस कॉस ए था। इफ यू टेक माइनस कॉमन फ्रॉम दीज टू, व्हाट इट बिकम? ये बन जाएगा बच्चे, राइट? यादव जी लाइट चली गई उनकी। डिस्कनेक्ट हो गया। देखिए चलो ठीक
कैमरा कैमरा और अपना माइक ऑन कीजिए बच्चों, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। जल्दी जल्दी से ऑन कीजिए बेटा। सेक्शन बी आल्सो, सेक्शन बी, राइट। सो बच्चों, आई वाज एक्सप्लेनिंग यू हाउ टू टेक द कॉमन माइनस। हाँ जी बच्चे, सो वी हैव दिस थिंग इन द डिनोमिनेटर, होगी सेटलमेंट बेटा, राइट। सो वी हैव साइन ए माइनस कॉस ए। इफ यू टेक माइनस कॉमन फ्रॉम हेयर, सो दिस विल बिकम माइनस साइन ए प्लस कॉस ए, इज इट ओके? करोगे ना तो इनको रोक लेना है ना मैडम,
राइट ठीक है जी। सो आपने माइनस कॉमन ले लिया, व्हाट इट बिकम? माइनस साइन ए प्लस कॉस ए। सो कैन दिस बी रिटर्न एज कॉस ए माइनस साइन ए इज स्क्वायर, और दिस माइनस साइन विल बी मल्टीप्लाइड बाय द प्लस साइन, और जो बीच वाला साइन है दैट विल बिकम, इज इट क्लियर नाउ? कोई डाउट बेटा? राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी वर डूइंग साइन ए प्लस सीकेंट ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस कॉसेकेंट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट बच्चों, दिस इज द क्वेश्चन, विल यू ट्राई? प्लीज डू इट बच्चों। सबसे पहले बेटा वही कॉन्सेप्ट लगाना है, ऑन द लेफ्ट साइड कन्वर्ट इनटू साइन एंड कॉस, साइन एंड कॉस। एक काम और कर सकते हो बच्चे, देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट, आप डायरेक्टली आइडेंटिटी लगा के भी कर दो, ए प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करके कर दो, राइट? हो जाएगा या मैं एक्सप्लेन करूं बेटा? मैं कर दूं? ओके ओके ओके, प्लीज डू इट, प्लीज प्लीज। नो टॉकिंग बच्चा, नो टॉकिंग। हाँ जी, एनी वन कंप्लीटेड? हो गया बच्चों? सर 2 मिनट। एनीवन फ्रॉम सेक्शन 10 ए हैव डन?
एनी वन फ्रॉम सेक्शन 10A हाँ जी बच्चों लोग हो गया। हाँ जी बच्चों हो गया। सर नो देखिए बेटा कैसे कर रहे हैं, आपने आइडेंटिटी लगा दी बेटा ए प्लस बी होल स्क्वायर की, दिस बिकम साइन स्क्वायर ए प्लस हो गया। कि बच्चे हो गया तब भी आप देखिए जरा इधर, जिन्होंने कर लिया वेरी गुड, प्लस आइडेंटिटी लगा दो सेकंड ब्रैकेट में भी बेटा। टॉकिंग प्लीज बच्चों, अगर हो गया तो प्लीज मुझे बताइए खड़े होके, पर प्लीज नो टॉकिंग, माई हम्बल रिक्वेस्ट। किसी ने किया है? कौन खड़ा होकर बता रहा है? जल्दी बताओ जो भी किया है, प्लीज उतना बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना कर लिया बच्चों उतना बता दो, कोई नहीं आ रहा है। ओके ठीक है जी, कॉस स्क्वायर थी, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर ए प्लस टू, यहां तो कोई डाउट बेटा? आफ्टर दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज देन सीकेंट स्क्वायर ए प्लस कोसीकेंट स्क्वायर ए प्लस दिस कैन बी रिटर्न एज 1 बाय कॉस ए, व्हाट इट बिकम्स 2 साइन ए बाय cos a and this can be written as 1 by sin a, so this will become this clear? Anything not clear bachon? Anything not clear? Aap kya karna hai beta? Put a bracket here. Put a bracket here. इसको कन्वर्ट कर लो साइन में और कॉस में और इनका एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। सिमिलर थिंग वी शैल अप्लाई हियर। देखिए कैसे करेंगे बच्चे, 1 प्लस 1 बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 बाय प्लस 2 कॉमन ले लीजिए बेटा, और जब आप एलसीएम लेंगे तो व्हाट इट बिकम्स साइन ए कॉस ए and in the numerator will be यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज टेल मी, एनीथिंग नॉट क्लियर? बस अब तो हो गया क्वेश्चन, इस ब्रैकेट का एलसीएम ले लो, यहां पे 1 लिख दो तो हम सॉल्व कर लेते हैं जी। देखिए कैसे होगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए and in the numerator will be plus what happened bachcho, what happened tell me, why so much discussion, anything not clear? Ek bachcho aake bolo beta jo bhi hai, please only one student will speak, whatever are your doubts please come and tell me. Excuse me sir. Yes sir, back
हाँ जी लीजिए, कर लो नोट कर लो बेटा। हो गया बच्चों, दो फिनिश करो फटाफट बेटा। चले बेटा आगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, शैल वी मूव। देखिए बेटा आगे देखिए, यहां तक क्लियर है। आफ्टर दैट साइन स्क्वायर ए प्लस अब बेटा यहां पे क्या बन जाएगा न्यूमरेटर में, वन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज दिस स्टेप क्लियर, यस और नो? बेटा नोट बाद में कर लेना, पहले अंडरस्टैंड कर लो। राइट, आफ्टर दैट कैन वी राइट वन अपॉन साइन स्क्वायर ए एज कोसेकेंट स्क्वायर ए एंड वन ओवर कॉस स्क्वायर ए एज सिमिलरली हेयर वन बाय साइन ए एस इज दिस स्टेप क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर और नॉट? बेटा किसी को कोई डाउट है स्टेप में तो बताइए। नाउ अब हमारे पास आइडेंटिटी बन गई बेटा ये, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, कैन वी राइट दिस एज? राइट, इज दिस क्लियर? आप लोग एक और स्टेप भी कर सकते हो। आफ्टर दिस दिस देर इज नो नीड टू कन्वर्ट, सो कैन यू राइट दिस एज? ये देखिए बेटा वन प्लस वन बाय साइन ए वन बाय कॉस ए होल स्क्वायर, राइट बच्चों? प्लस द सेम थिंग, इज इट क्लियर? सो देन आल्सो यू कैन राइट दिस कैन बी वन स्क्वायर, वन प्लस वन बाय साइन ए कॉस ए होल स्क्वायर, इज इट क्लियर? एंड लेटर ऑन देन यू कैन कन्वर्ट इन टू, सी दिस इज वन स्क्वायर प्लस वन ओवर साइन ए कॉस ए होल स्क्वायर, इसके बाद एक थर्ड टर्म आएगी प्लस टू ओवर साइन ए कॉस ए एंड इट विल बी ए आइडेंटिटी ऑफ वन प्लस वन बाय साइन ए कॉस ए होल स्क्वायर, राइट? सो दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज वन प्लस सेकेंड ए कॉस सेकेंड ए होल स्क्वायर। Is this clear? Yes. Anything not clear? No. Note कर लो बेटा। हो गया? कुछ क्लियर हुआ बच्चे डाउट्स इस टॉपिक में जो थे आपके? Have you understood how to approach the questions? ठीक है, ओनली थिंग इज आपको जरा फोकस में रखना है कि व्हाट यू हैव टू प्रूफ, राइट? बट अगर वो थ्री स्टेप अप्लाई करोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। इज इट क्लियर? चलिए नाउ मैम वांट टू डिस्कस समथिंग विद यू, सो आई हैंड ओवर इट टू मैम। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स,
थैंक्स अ लॉट टीचर्स. सर आई 2 मिनट में आई.